जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं में फर्क क्या होता है, क्या अंतर होता है? लेकिन एक जगह पर उसी बीमारी की दवा 1.5 रुपए में मिल रही है, वहीं दूसरी जगह पर 35 से 40 रुपए में। और इन दवाओं को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही दवाएं उसी बीमारी के इलाज के लिए बनी है, जिनकी कीमत कहीं पर 1.5 रुपए है तो कहीं पर 40 रुपए। लेकिन आखिर इतना अंतर क्यों? क्या सस्ती दवा बीमारी का इलाज नहीं कर सकती? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों ही दवाएं बीमारी का इलाज करने के लिए बनी हैं, लेकिन कीमतों में बहुत फर्क है। असल में हम जिस दवा की बात कर रहे हैं उसे जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं और महंगी दवाओं को ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। लेकिन वहीं आज के समय आप देखेंगे तो आपको कोई भी डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टोर वाला भी आपको जेनेरिक मेडिसिन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ भी गुलाबी नोटों का खेल चलता है। जिसमें ज्यादा मुनाफा होता है डॉक्टर वही दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी तरह मेडिकल स्टोर वाला भी उन्हीं दवाओं को बेचता है जिसमें उसे ज्यादा प्रॉफिट दिखता है। जबकि देखा जाए तो इन सस्ती दवाओं के जरिए कई लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये दवाइयाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती। आखिर क्या है इसका राज, क्यों इन दोनों में इतना अंतर है? आइए इस वीडियो में आपको यही बताते हैं। देखा जाए तो जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स में कोई अंतर नहीं होता। असल में सभी दवाएं एक तरह के केमिकल सॉल्ट से बनी होती हैं। इन दवाओं को बनाने के लिए तरह तरह की रिसर्च की जाती है और उसके बाद ही इन्हें अलग अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है और उसी नाम से बिकती है। जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाली पैरासीटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक दवा कहेंगे। वहीं जब इसे किसी ब्रांड जैसे कि क्रोसिन के नाम से बेचा जाता है तो ये उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि सर्दी खांसी बुखार और बदन दर्द जैसी रोजमर्रा की दिक्कतों के लिए जो दवा महज 10 पैसे से लेकर 1.5 रुपए प्रति टैबलेट में मिलती, वहीं जब कोई ब्रांडेड कंपनी इसे अपने नाम से बेचती तो इस दवा की कीमत 35 रुपए से 40 रुपए तक पहुंच जाती है। ऐसी कई जानलेवा बीमारियां हैं जिनकी जेनेरिक मेडिसिन बहुत ही कम कीमतों में आती है, लेकिन जब यही दवाएं कोई ब्रांडेड कंपनी बनाती उस पर शोध करती रिसर्च करती तो उसे बनाने के बाद कंपनी उस पर 15 से 20 साल के लिए पेटेंट ले लेती है और फिर उस दवा को बेचने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखे जाते हैं, सेल्स पर्सनल रखे जाते हैं। इनकी मार्केटिंग पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता है और इसी वजह से ये दवाएं इतनी महंगी हो जाती हैं। लेकिन अगर यही दवाएं इन खतरनाक बीमारियों के लिए जेनेरिक में उपलब्ध होती तो कहानी कुछ और ही होती। जैसे HIV की दवा टेनोफिविर या एफावीरेज की ब्रांडेड दवा का खर्च $2,500 यानी करीब 1,75,000 रुपए आता है, जबकि जेनेरिक दवा में यही खर्च $12 यानी कि महज 840 रुपए महीने तक हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। इसी तरह कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की बात करें तो नोवार्टिस की कैंसर की दवा ग्लिवियो इमेटिनिब मिसालेट का एक महीने का खर्च $2,158 यानी कि करीब 1.5 लाख रुपए से ऊपर पड़ता है, जबकि जेनेरिक रूप में इसी दवा का खर्च $174 प्रति माह यानी कि महज 12,180 रुपए पड़ता है। सोच कर देखिए इन दोनों दवाओं के बीच इतना बड़ा कैसे अंतर। ऐसे ही बेयर की कैंसर ड्रग सोराफेनिब टोसाइलेट जिसे वो नेक्सवार के नाम से बेचती है उसका एक महीने का खर्च $5,030 है, जबकि जेनेरिक दवा लेने पर यही खर्च महज $122 प्रति माह रह जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जेनेरिक दवा ब्रांडेड दवाओं से कई गुना सस्ती होती है, लेकिन इनका सस्ता होने का एक और बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि जेनेरिक दवाओं की कीमत को सरकार तय करती है, वहीं ब्रांडेड दवा बनाने के लिए कंपनियां इस पर रिसर्च करती हैं, पेटेंट लेती है और विज्ञापनों पर भारी भरकम खर्च करती हैं और इसी प्रचार प्रसार की वजह से ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां इतनी महंगी होती हैं। लेकिन अगर हर जगह पर जेनेरिक दवा आसानी से मिलने लगे तो ये उन लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी जिन लोगों की मौत महंगी दवाओं की वजह से हो जाती है। क्योंकि भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी बीमारी का इलाज के लिए इन ब्रांडेड दवाइयों का सेवन कर सके। और अगर आप भी जेनेरिक दवाओं को हासिल करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया BPPI पर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना PMBJP को लागू करने की जिम्मेदारी। इसमें दवाओं को कम कीमत पर मुहैया कराया जाता है। इससे जुड़े जन औषधि केंद्र पर ज्यादातर जेनेरिक दवाइयां ही बेची जाती है। देश भर में करीब 5,395 जन औषधि केंद्र हैं, जहां कैंसर सहित कई बीमारियों की करीब 900 दवाइयां मिलती हैं। इसके अलावा डॉक्टर हमेशा ब्रांडेड दवाइयां ही लिखते हैं, क्योंकि जेनेरिक दवाइयां लिखने से उनका कोई फायदा नहीं है। अक्सर दवाई कंपनी और डॉक्टर के बीच इलाज को लेकर एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। दवाई कंपनी के MR
डॉक्टरों को उनकी कंपनी की दवाई लिखने के लिए कहते हैं और इसके बदले उन्हें अच्छा खासा कमीशन दिया जाता है। लेकिन अगर वो वहीं जेनेरिक दवा लिखने लगे तो इसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि डॉक्टर जेनेरिक दवाई लिखने से परहेज करते हैं। लेकिन अब हमारे भारत की सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और अब सरकार मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए कानून में संशोधन की तैयारियां कर रही है। इसके बाद डॉक्टर्स को मरीजों के लिए सिर्फ जेनेरिक दवा लिखनी होगी, ना कि किसी विशेष ब्रांड या कंपनी की। लेकिन इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि मरीजों को सस्ती दवा मिलेगी, क्योंकि इस संशोधन के खिलाफ डॉक्टर हैं। ज्यादातर डॉक्टर सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे किसी कानून के लागू होने के बाद दवा से जुड़ी सभी पावर्स केमिस्ट के हाथों में चली जाएंगी। डॉक्टरों का मानना है कि जेनेरिक दवा लिखने के बाद केमिस्ट तय करेगा कि मरीज को कौन सी दवा देनी है। ऐसी स्थिति में वो दवा की गुणवत्ता की परवाह किए बिना वही दवा देगा जिसकी बिक्री से उसे आर्थिक मार्जिन या मुनाफा हासिल होगा। फार्मा सेक्टर से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें डॉक्टर्स को तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास तो मरीज आते रहेंगे, लेकिन जनता को अच्छी गुणवत्ता की जेनेरिक दवा मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। इसके बाद दवा कंपनियां सीधे स्टॉकिस्ट या केमिस्ट से संपर्क करेंगी और उसे अपनी दवा बेचने के लिए कई तरह के लालच दे सकती है, जिसका नुकसान आखिरकार आम जनता को उठाना पड़ेगा। ऐसे में सरकार को इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। लेकिन वहीं जेनेरिक मेडिसिन को लेकर एक दूसरा पहलू भी है। अगर ऐसे किसी कानून पर संशोधन होता है और जेनेरिक दवाइयों को मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य कर दिया जाता है तो इससे लाखों नौकरियों पर खतरा बन जाता है, क्योंकि एक दवा को कई कंपनियां बनाती हैं, उनके प्रचार प्रसार या उन्हें प्रमोट करने के लिए भारी भरकम स्टाफ रखती हैं। इनमें सबसे ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR होते हैं, जो डॉक्टर्स के पास विजिट कर उन्हें अपनी कंपनी की दवा लिखने को कहते हैं। कई डॉक्टर्स को इसके लिए बाकायदा कमीशन या महंगे महंगे गिफ्ट तक दिए जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स जब सिर्फ जेनेरिक दवा लिखेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका दूसरा असर ये होगा कि ब्रांडिंग खत्म हो जाएगी, तो दवा कंपनियों को प्रचार प्रसार के लिए स्टाफ भी कम करना पड़ेगा। कई लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। फार्मा और मेडिकल सेक्टर से जुड़ी डॉक प्लेक्सेस के मुताबिक बड़ी कंपनियों में से प्रत्येक अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए 5,000 से ज्यादा फील्ड स्टाफ रखती हैं। इसके अलावा फार्मा कंपनियां कुल बजट का 20% फील्ड स्टाफ की भर्ती और खर्च का 60% फील्ड स्टाफ और उनसे जुड़ी गतिविधियों पर खर्च करती है। लेकिन इस कानून में संशोधन होने के बाद इन सारी नौकरियों पर खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन देखा जाए तो इससे आम जनता को बहुत फायदा होने वाला है। उन गरीबों का इलाज बहुत कम खर्च में हो जाएगा जो आज के समय इलाज पर लाखों खर्च कर रहे हैं, क्योंकि अनुमान के मुताबिक किसी भी मरीज के इलाज के दौरान होने वाले खर्च का 70% अकेले दवाओं पर खर्च हो जाता है। सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि इलाज और दवा पर होने वाले खर्च की वजह से देश में हर साल 3 करोड़ से 8 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय हमारे भारत में जेनेरिक मेडिसिन की कोई कमी नहीं। देश में सालाना करीब 1,27,00,000 करोड़ की दवाएं बेची जाती हैं, जिसमें 75% से ज्यादा हिस्सा जेनेरिक दवाओं का होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया भर की डिमांड की 20% दवाइयां जेनेरिक वाली भारत सप्लाई करता है। अमेरिका में 40% और यूके में 25% दवाइयां भारत सप्लाई करता है। 2018-19 की बात करें तो भारत ने $1,920 करोड़ की दवाइयां एक्सपोर्ट की थी। आज के समय भारत 30% दवा अमेरिका, 19% अफ्रीका और 16% दवा यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह दुनिया भर में कुल वैक्सीन डिमांड का 50% भारत से सप्लाई किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, नाइजीरिया और जर्मनी में भी भारतीय दवाएं एक्सपोर्ट होती हैं। लेकिन इसके बाद भी भारत के डॉक्टर जेनेरिक दवाइयां लिखने से परहेज करते हैं और जब तक आप उनसे कहेंगे नहीं वो कभी आपको जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो डॉक्टर से इलाज करते वक्त जेनेरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करवाइए और मेडिकल स्टोर में भी जेनेरिक मेडिसिन ही डिमांड कीजिए। इससे आपके पैसे बचेंगे। जितना हो सके इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को देश भर में शेयर करें। फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।